सुप्रिय एवरीवन, आई एम गंधर्वस। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको 10th या 12th के बोर्ड में, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड, झारखंड बोर्ड मतलब जैक बोर्ड, या दिल्ली NCR या बिहार बोर्ड, तो मैं सब में बताने वाला हूँ। मतलब सबसे पहले मैं बिहार बोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, तो उसी तरह सब बोर्ड सिमिलर है, तो मैं बिहार बोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ, आपको सब बोर्ड के बारे में समझ नहीं जाएंगेगा। तो बिहार बोर्ड में यदि आपको 95% लाना है या 90% लाना है, तो 80% लाना, मतलब 80% से यदि ज़्यादा लाना है तो कैसे लाए, तो 80% से ज़्यादा लाने के लिए आपको सबसे पहले मतलब हर एक सब्जेक्ट पे कमांड करना पड़ेगा। तो कमांड कैसे करें, तो सबसे पहले आपको जैसे कि 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो पहले ऑब्जेक्टिव पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव मेन होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। यदि आप 12th बोर्ड की बात करें और साइंस की बात करें, साइंस में यदि आप मैथ की बात कर रहे हैं, तो मैथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये तीनों में आपको मतलब यदि उधर पूरा अपना हो जाता अच्छा, तो फिर इंग्लिश हिंदी तो मतलब थोड़ा मतलब उससे लो है इंग्लिश हिंदी, तो आप उसका मतलब तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह 10th बोर्ड की यदि बात करें मैं, तो 10th बोर्ड में है आपका जैसे कि साइंस है, साइंस में तीनों चीज़ आ गए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो 10th में कैसे है, और उसके बाद फिर हिंदी है, इंग्लिश है, तो मतलब सब में यदि आप टॉप 50-50 सब क्वेश्चन को यदि अच्छी कर लेते हैं, मतलब अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला। क्यों नहीं छूटने वाला, तो क्योंकि 60 ऑब्जेक्टिव दिया रहता है और उसमें 50 ऑब्जेक्टिव सिर्फ बनाना पड़ता है, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो आप उस ऑब्जेक्टिव को छोड़ सकते हैं और दूसरा ऑब्जेक्टिव अपना बना सकते हैं। इसी तरह हम बोल रहे थे, यदि आप ऑब्जेक्टिव पे कमांड कर लेते हैं तो सब्जेक्टिव पे धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। जो बंदा ऑब्जेक्टिव पर यदि कमांड कर देता है तो उसका सब्जेक्टिव पे हो जाता है धीरे धीरे। तो आप यदि मतलब 80% से ज़्यादा लाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पे कमांड करना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव मस्ट जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या चीज़ है, जो आपका यदि गलती होने का रहेगा तो गलती हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्या है, यदि आप उसके बारे में थोड़ा सा भी यदि पढ़े होंगे तो आप यदि उसके बारे में कुछ अपने से मन से बना के यदि लिख देते हैं तो आपको कुछ नंबर वहाँ मिल जाएगा। 5 नंबर में यदि अच्छा रेटिंग होगा तो वहाँ आपका मिल जाएगा, 4 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना है।